देखिए बिहार में हम लोग खनिज के बारे में पढ़ेंगे कि बिहार में खनिज कहाँ है, क्योंकि जो बिहार से रिलेटेड जो एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते रहते हैं, आए हैं। खासकर के बीपीएससी एग्ज़ाम के क्वेश्चन में, बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो इससे रिलेटेड जो है इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए बिहार का एक टूटा फूटा ये मैप दिख रहा है, इसमें हम लोग को पहले नंबर तो ये है कि बिहार के टोटल ज़िले की अवस्थिति हमको पता होनी चाहिए। बिहार में कौन कौन सा ज़िला है, टोटल 38 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें बिहार में जो बिहार का जो उत्तरी भाग है ये वाला, इस पार्ट पे नेपाल है, और नेपाल जो है चूँकि हिमालय का जो तीसरा भाग, हिमालय तीन भाग, हिमालय के तीन पार्ट्स हैं, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी, तो ये जो है नेपाल वाला जो निचला तराई भाग ये शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आता है, शिवालिक श्रेणी का निचला भाग होता है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि हिमालय में, हिमालय पर्वत जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा खनिज के भंडार नहीं मिले, ना के बराबर मिलते हैं। सबसे ज़्यादा खनिज जो है प्रायद्वीपीय पठार वाले क्षेत्रों से मिलते हैं। तो जब चूँकि बिहार का विभाजन नहीं हुआ था 2000 ईस्वी से पहले तक, बिहार एक खनिज संपन्न राज्य था, खनिज की दृष्टि से संपन्न राज्य था, लेकिन जब बिहार का बंटवारा हुआ झारखंड के रूप में, तो उसके बाद जो बिहार का जो मुख्य खनिज वाला जो पार्ट है वो झारखंड में चला गया। ये जो छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है ये वाला क्षेत्र, तो छोटा नागपुर पठार खनिज की दृष्टि से बहुत ज़्यादा संपन्न माना जाता है। तो चूँकि छोटा नागपुर पठार नीचे झारखंड वाला में सटता है, तो झारखंड से सटे जो ज़िले हैं उन ज़िलों में ही खनिजों की जो है सबसे ज़्यादा मात्रा देखने को मिलती है, खनिज सबसे ज़्यादा यहीं पर देखने को मिलते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं कौन जहाँ पे जो है खनिज पाया जाता है। तो यहाँ पे भागलपुर है, भागलपुर के बाद बांका, फिर जमुई, फिर जमुई के बाद है नवादा, फिर गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर और यहाँ पे मुंगेर है। ये ऐसे कितने ज़िले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 ज़िले हैं जहाँ खनिज बहुतायात में मिलता है भारत में, सॉरी बिहार में। अगर खनिज देखा जाए बिहार में खनिज कहाँ कहाँ पे बिहार में खनिज पाया जाता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज देखने को मिलते हैं, खनिजों के भंडार यहीं पे। तो ये जो ज़िला है झारखंड से जो सटे ज़िले हैं इन ज़िलों का क्रम याद होना चाहिए, कौन सा ज़िला कहाँ पर है। इस यहाँ से याद करते हैं भागलपुर, भागलपुर के बाद बांका है, फिर जमुई है, नवादा है, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर और भागलपुर के बगल में मुंगेर। यहाँ से ये 9 ज़िले हैं, इन जो 9 ज़िलों में जो खनिज है, खनिज सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए बीचों बीच यहाँ से गंगा नदी होते हुए निकलती है, गंगा नदी निकलती है। तो गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांट देती है, एक उत्तरी बिहार है, ये गंगा नदी के उत्तर उत्तरी बिहार, ये नीचे दक्षिणी बिहार। तो अगर बिहार में अगर पूछा जाए कि खनिज संपन्न इलाका कहाँ है, तो दक्षिणी बिहार है। दक्षिणी बिहार में खनिज सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, उत्तरी बिहार में नाम मात्र के खनिज देखने को मिलते हैं, जैसे सोरा ओरा, जो सोरा है उत्तरी बिहार में वो खनिज देखने को मिलता है, जो कई जगह कई जिलों में फैला हुआ है सोरा। तो और सारे जो खनिज हैं सारे खनिज दक्षिणी बिहार में देखने को मिलते हैं, खास करके दक्षिणी बिहार में वो क्षेत्र जहाँ जो झारखंड से सटा हुआ है, झारखंड से लगे सीमावर्ती जिलों जिले हैं उन जिलों में ये खनिज देखने को मिलते हैं। तो हम लोग इस चार्ट को देखते हैं, इसको पढ़ने का, इसको याद करने का प्रयास करते हैं किस तरीके से याद होगा। जैसे मैं पहला खनिज है पाइराइट्स, पाइराइट्स जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, और आप जो है हमको क्या करना है कि यहाँ मैप पे ध्यान देखना है कि कहाँ पाइराइट्स कहाँ है, रोहतास, रोहतास कौन है, रोहतास यहाँ पे। तो पाइराइट्स जो है इसी जिला में पाया जाता है रोहतास में, और इस पाइराइट का उपयोग क्या करने में किया जाता है, उर्वरक क्षेत्र में उर्वरक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर जो है चूना पत्थर रोहतास और जो है कैमूर, ये टोटल दोनों इलाके में, ये रोहतास है ये कैमूर है, तो चूना पत्थर रोहतास और कैमूर दोनों जगह पाया जाता है। और
चूना पत्थर जो है सीमेंट बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण संघटक तत्व है जिसके मदद से सीमेंट बनाया जाता है। तो आप पढ़े होंगे कि सीमेंट बनाने का जो कारखाना है डालमिया नगर में है, जो रोहतास में ही है, रोहतास जिला में ही है। तो यहाँ से जो चूना पत्थर है, चूना पत्थर रोहतास और कैमूर दोनों जिला में पाया जाता है। फिर अवरक देखते हैं, अवरक जो है नवादा और गया, नवादा और गया, नवादा ये है और गया ये है, दोनों सटे हुए जिले हैं। इस क्षेत्र में जो है अभ्रक पाया जाता है। अभ्रक का जो उपयोग होता है विद्युतीय उपकरण जो होते हैं, विद्युत से बनाने वाले जो उपकरण होते हैं उनमें इनका उपयोग किया जाता है अभ्रक का। फिर सोना है, सोना जो है जमुई में, ये जमुई है, ये जमुई है सोना। तो यहाँ पे सोना के भंडार जो है अल्प मात्रा में देखने को मिलते हैं बिहार में। फिर सोना का उपयोग जो है कई सारे उपयोग होते हैं। बॉक्साइट है, बॉक्साइट का उपयोग मुंगेर, बॉक्साइट जो है सबसे ज़्यादा बिहार में बॉक्साइट यहाँ पे मुंगेर ज़िला में देखने को मिलता है। और ये जो मुंगेर ज़िला में एक खड़गपुर की पहाड़ी है जो खनिज की दृष्टि से संपन्न मानी जा रही है, यहाँ से कई खनिज मिलने की संभावना है। तो यहाँ पर जो है मुंगेर से बॉक्साइट मिल रहा है और यहाँ बॉक्साइट का उपयोग, जो हम लोग एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट, तो यहाँ से। फिर क्वार्टरजाइट हो गया, तो क्वार्टरजाइट भी मुंगेर से ही मिलता है। याद कैसे रखेंगे, देखिए बॉक्साइट पे भी ईट लगा है और क्वार्टरजाइट में भी ईट लगा है, तो दोनों ईट कहाँ पे, मुंगेर में। और क्वार्टरजाइट का उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में होता है। फिर चीनी मिट्टी आते हैं, चीनी मिट्टी कहाँ पे मिलता है, भागलपुर और मुंगेर में। चीनी मिट्टी भागलपुर यहीं पे बगल में और ये मुंगेर, ये दोनों जगह चीनी मिट्टी के भंडार पाए गए हैं बिहार में। ये चीनी मिट्टी का उपयोग बर्तन बनाने में चीनी मिट्टी का उपयोग होता है, विद्युतीय उपकरण बनाने में भी चीनी मिट्टी का उपयोग होता है। फिर सोरा है, सोरा, सोरा का जो भंडार है ये दक्षिणी बिहार में ना करके उत्तरी बिहार में सोरा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस इलाका में पश्चिमी चंपा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में, ठीक है, पूर्वी चंपारण में, फिर बेगूसराय में, इस इलाके में, इस इलाका में बेगूसराय हो गया या सारण हो गया, ये यहाँ पे सारण है, सारण में, फिर मुजफ्फरपुर, ये वाला जो इलाका है इसी इलाका में सोरा होता है। हम लोग जानते हैं कि सोरा का उपयोग जो होता है बारूद बनाने में होता है, इसी वजह से इस इलाके में जो है डचों ने भी, अंग्रेज़ों ने भी जो है बारूद बनाने के कारखाने स्टार्ट किए थे बिहार में। फिर यूरेनियम, यूरेनियम जो है, यूरेनियम भी बिहार में गया जिला से यूरेनियम प्राप्त होता है। ये हम लोग का जो गया है, ये वाला गया, तो गया से यूरेनियम प्राप्त होता है और यूरेनियम जो है ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। फिर खनिज तेल मुंगेर और रोहतास, मुंगेर यहाँ पे, रोहतास यहाँ पे, दोनों जगह से खनिज तेल मिलते हैं। फिर डोलोमाइट जो है रोहतास से मिलता है, डोलोमाइट यहाँ पे, डोलोमाइट का जो है रोहतास से मिलता है। तो ये जो आंकड़े हैं इसको फिर से एक बार रिकॉल किया जाए, जो पाइराइट्स है, पाइराइट्स का रोहतास में भंडार है, चूना पत्थर रोहतास और कैमूर में, अभ्रक जो है, अभ्रक कहाँ पे, नवादा और गया में, सोना जमुई में, बॉक्साइट जो है मुंगेर में, और क्वार्टरजाइट भी मुंगेर में, मुंगेर जो है मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ी है और वहीं से ये जो है देखने को मिलते हैं। चीनी मिट्टी है भागलपुर और मुंगेर में, सोरा बेगूसराय, पूर्वी चंपारण जो सारण है, फिर मुजफ्फरपुर उत्तरी बिहार का लीजिए, उत्तरी बिहार में सोरा के भंडार है, यूरेनियम में गया, यूरेनियम का भंडार गया में, खनिज तेल मुंगेर और रोहतास में, डोलोमाइट जो है केवल रोहतास में मिलता है। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे, समझेंगे, और ये जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।